सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम समाज को जागरूक करने में प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है। आज यूपी व गोरखपुर विकास सुशासन के जिस नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, उसमें प्रबुद्ध जनों द्वारा जन जागरण से जुड़ने की भूमिका का निर्वहन किया गया। उसी का परिणाम है कि देश में यूपी की छवि बदली है। यूपी बीमारू राज्य से हटकर विकसित राज्य की तरफ होते हुए नंबर एक अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ इंजन के रूप में तैयार करता है, तो आने वाले समय में नौकरी व रोजगार के लिए नौजवानों को दूसरे प्रदेश व देश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वहां के लोगों को यहां आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बटन दबाकर 950 करोड़ की 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ाती है। इसी का परिणाम है कि सुशासन व बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए निवेश, पर्यटन, आर्थिक समेत सभी क्षेत्र में विकास के लिए प्रदेश ने खुद को स्थापित किया है। गोरखपुर इसका उदाहरण है। गोरखपुर की छवि 10 साल पहले क्या थी? शासन से सदा उपेक्षित था। कानून व्यवस्था, गोरखपुर की छवि, जनता को मिलने वाली बिजली, सड़कें, कनेक्टिविटी की सुविधा ठीक नहीं थी। कोई यहां निवेश नहीं करना चाहता था। गोरखपुर के नाम से लोगों में भय होता था, पर 5 साल में अपने गोरखपुर की बदली छवि को देखा है। अब गोरखपुर का नाम लेने से सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है। इसे बनाए और बरकरार रखने, अभिवृद्धि करने का दायित्व हर नागरिक पर है। मेरा नगर, कस्बा, गांव, प्रदेश व देश इस सम्मान के लिए सदैव लोगों की जुबान पर रहे। सीएम ने कहा कि 1990 में यहां खाद कारखाना बंद हो गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज को विपक्षी सरकार कब का यहां से हटवा दी होती। डबल इंजन की सरकार में अब गोरखपुर में न सिर्फ कारखाना चल चुका है, बल्कि 105% उर्वरक उत्पादन से भी जुड़ा है। पीएम के विजनरी नेतृत्व में कमोबेश रसायन की पूर्ति भी की जा रही है। पिछली सरकारों में बंद पड़े उर्वरक कारखानों को फिर से चलाया गया। आज मेडिकल कॉलेज की तस्वीर बदल चुकी है। मेडिकल कॉलेज के साथ एम्स ने भी बेहतरीन तरीके से सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा के बेहतरीन हब के रूप में गोरखपुर स्थापित हो रहा है। अकेले गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय है। कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। लखनऊ गोरखपुर, गोरखपुर आजमगढ़, अम्बेडकर नगर होते हुए लखनऊ की नई कनेक्टिविटी मिल रही है। गोरखपुर वाराणसी की बेहतर कनेक्टिविटी हो चुकी है। पहले 6-7 घंटे लगते थे, अब वह दूरी 2.5 से 3 घंटे में पूरी कर सकते हैं। नेपाल की कनेक्टिविटी सुधरी है। गोरखपुर से देवरिया, कुशीनगर की कनेक्टिविटी के साथ ही ट्रेन व वायु सेवाओं की कनेक्टिविटी में भी काफी सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। मेडिकल कॉलेज सोनौली मार्ग को 4 लेन से जोड़ा गया। देवरिया मार्ग को 4 लेन बनाने का शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक और रुस्तमपुर से जोड़ते हुए 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। देवरिया बाईपास के लिए 2 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। इससे जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। सिंगल लेन को 2 लेन, 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन बनाने का कार्य हो रहा है। एंसेफलाइटिस के लिए न सिर्फ बेहतरीन सेंटर दिए गए, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजनाओं से इसके कारणों का समाधान किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि रामगढ़ ताल में रवि किशन गोरखपुर के सांसद जैसे अभिनेताओं के लिए शूटिंग के बेहतर केंद्र बन गए हैं। मुंबई से यहाँ पूरी यूनिट को लाकर अन्य कई भाषाओं की फिल्म की जा रही है, शूटिंग हो रही है। पिछले दिनों मलयालम भाषा के निर्देशक मिले थे, वे गोरखपुर आकर शूटिंग करने के साथ स्थानीय कलाकारों को मौका व रोजगार दे रहे हैं। गोरखपुर को फिल्म सिटी व पर्यटन के रूप में विकसित करने में योगदान दे रहे हैं। सीएम ने बताया कि गोरखपुर शहरी क्षेत्र में 32,000 गरीबों को पीएम आवास, 29,000 पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन मिला। गोरखपुर में रोजगार के लिए व्यापक निवेश हो रहा है। आसपास के क्षेत्रों में पहले व्यापक जल जमाव होता था, इससे मुक्ति के लिए अभियान चलाए गए। घगसरा, उनवल, उरवा, कैंपियरगंज समेत कई नए नगर निकाय बनाए गए। यहाँ के विकास व रोजगार के लिए सरकार ने तमाम कदम उठाए। सीएम ने आह्वान किया कि हम सभी को जनपद, प्रदेश व देश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार 10 से 12 फरवरी तक यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
GIS का आयोजन करने जा रही है। इसमें 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और उसके जरिए 1 लाख युवाओं को रोजगार व नौकरी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम शुरू किए, अग्निवीर कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी दे चुकी है। कोई मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, स्कूल या MSME के जरिए निवेश करता है तो वह हमारे लिए अभिनंदनीय है। सरकार ने इसके लिए 25 पॉलिसी बनाई है, आप आवेदन कीजिए, सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने कहा कि गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, पर्यटन, रोजगार के केंद्र में विकसित करना है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इससे हमें भी जुड़ना होगा। विकास का यह क्रम निरंतर बढ़ता रहे, विकास ही जीवन में परिवर्तन लाएगा। विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़कर अपनी व आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रबुद्ध जन गोरखपुर को सकारात्मक ऊर्जा के साथ और तेजी से बढ़ाएं। प्रबुद्ध जन नहीं होते तो हम गोरखपुर में सफल नहीं हो पाते। 25 वर्षों में विकास, कानून व्यवस्था समेत किसी भी मुद्दे पर जब हमने आंदोलन किया तो प्रबुद्ध जन व हर नागरिक खड़ा हुआ। हमें और अच्छे मॉडल खड़े करने होंगे। गोरखपुर में चिड़ियाघर है तो रामगढ़ ताल भी है, एम्स है व वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा भी हो चुकी है। सीएम ने बताया कि बुनियादी सुविधाओं के लिए नए निकायों के लिए अलग से 550 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। विकास की यात्रा के दौरान यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ त्रिपाठी अटल, उद्योगपति एसके अग्रवाल, शिक्षाविद प्रोफेसर आरसी श्रीवास्तव, आईएमए के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने भी अपनी बातें रखी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में महापौर सीताराम जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधान परिषद सदस्य व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सांसद रविकिशन शुक्ल, कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, श्रीराम चौहान, प्रदीप शुक्ल, सरबन निषाद, डॉक्टर विमलेश पासवान, विधान परिषद सदस्य सीपी चंद आदि मौजूद रहे। गोरखनगर का नाम परम पूज्य महाराज जी का नाम विदेशों में चलने लगा तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में नगरी निकाय के चुनाव में खाली हो। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जहां भी मेरी जीत के लिए आवश्यकता पड़े मैं पूरी तरह से तत्पर होकर के आप सबके चुनाव में सहभागी होकर के चुनाव को जीतने जिताने में अपना योगदान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी इसकी नीति या नियत ठीक है, ऐसे का नियोजन ठीक प्रकार में हो रहा है। गाँव भी खिल रहा है, नगर भी खिल रहा है। कुछ महाराज जी आए दिन आते हैं तो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। गाँव में भी आप 50 करोड़ की सम्मान देने वाले हैं। 11 टाउन एरिया के सम्मानित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, महानगर के सभी वार्डों से आए हुए सभी हमारे सहयोगी साथियों, संगठन के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी गण, मित्रों, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में पूर्वांचल के इस गोरखपुर जिले का जो नाम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, आज हम सब इसका ये जो परिणाम है जो ये सम्मानित जनता इस सम्मान में आई है, मैं सब आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आज आने वाले समय में टाउन एरिया नगर निगम के चुनाव होने हमारी सहभागिता क्या होनी है आज हम ये सुनिश्चित करने आए। आज गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव में पूरी मजबूती के साथ कामयाबी लेने में सफल होने का काम कर रही है। अभी कल ही 2 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है मध्यावधि, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है।
आज हम जिस जगह पर खड़े हैं हमें याद है इस पूर्वांचल के नेता, इस देश के नेता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने इस रामगढ़ ताल की परियोजना की आधारशिला 1986 में रखी और अब 1989 के बाद आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की देन है ये रामगढ़ ताल परियोजना अपना मूर्ति रूप लेकर के आज हम सब के इस क्षेत्र के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। मैं अपने आए हुए कंपियरगंज जी नहीं, बीबीगंज जी नहीं, जो हजारों की तादाद में लोग आए हैं उन सब को कहना चाहता हूँ कि पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बना करके भेजे हमको कमल के निशान को देखना है। भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करेगी उसे भारी मतों से विजय सिंह दिला करके इस जनपद के विकास में हम आगे भागीदार बने उसमें हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर प्रखंड के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ विकास के गंगा बह रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर हो, मानसरोवर हो, सुमेर सागर हो, इलाहाबाद का रामलीला मैदान हो, वट घाट का रामलीला मैदान हो, रावते का तट हो, आज पर्यटन का हब बना हुआ है। महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन हर हर महादेव। महाराज दोनों हाथ उठा ले एकदम पूरा आखिरी सांसदगण समय कम बा हमके बहुत कम समय मिलल बा सबके एक संगे प्रणाम। माननीय विधायकगण के प्रणाम, जितने मंचासीन हैं हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब के प्रणाम, धर्मेंद्र जी के, और जितने योद्धा आए हैं और जितने प्रेम करे वाला आए बाड़ल पूज्य महाराज जी के, पांचों विधानसभा से, अगल बगल के जिला से, जहाँ जहाँ से सब लोग एकदम चला हो प्रभु जन का समय चला हो प्रभु जन का सम्मेलन बाबा महाराज जी से भेंट हुई चला तो देखे सब चला देना भैया हाँ करा ना भैया जाम बाबू महादेव। देखा हो इन निकाय का चुनाव बा, हम कल बिहार में रहे, उपचुनाव रहे, कुडनी एगो जगह रहे मुजफ्फरपुर में, ठीक बा, तो हम वहां का समस्या और वहर का माहौल देखे, वहां के लोग कुल भागतड़न, हत्या रोज हो रही है, वहां गोली रोज चल रही है, भाजपा को जहां धोखा मिला वहां पर, और वहां पर पूरा हत्या और एक जंगल राज शुरू हो गया। अब वही आ जाइए उत्तर प्रदेश में, अब यहां बढ़िया हो, माई हो, बाबा
माफिया की, ताकत नहीं के हो भू माफिया की। सफाई बढ़िया से बगल में रामगढ़ झील बा हो, इतना सफाई कहां मिली। ढेर कूड़ा हो जा रहा तो बाबा को बुलडोजर चला रहा, नली नाला सिविल लाइन आज 1,000 करोड़ का मार छब छो लेन का फ्लाईओवर बनी, 6 लेन का जाम से मुक्त गोरखपुर, मेट्रो आई, शूटिंग चला था फिल्म सिटी का आशीर्वाद महाराज जी का, भोजपुरी वाले मार करता उड़े उड़े बाड़ा ने जा, रोजगार कलाकार के नया को रोजगार आ गया पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, सिनेमा की शूटिंग कई सौ लोग कई हजार लोगों का रोजगार शुरू, रोजगार निकाय का चुनाव। अब हमके लगा था कि जे जे लड़ी और जेकरा जेकरा के टिकट मिली खाली जाके भैया हो, कुल नली गली का अपन काम देख ला, हर जगह काम हुआ, हर जगह काम हो रहा, हर जगह काम होगा पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं, खाली जाके बताए के बाओ और कुछ नहीं करना है खाली, क्योंकि हर जगह महाराज जी काम दे दिए हैं, इतना काम के हूं सोच नहीं सकाला, तो हमने तो धन्य है, देव कुल जनता धन्य बा कि महाराज जी को जिताए और महाराज जी पूरा बम बम कर दिए उत्तर प्रदेश को। तैयारी करा, आज 1,000 करोड़ का तोहफा मिला था प्रभु जन में, आज वही बात होगी, डॉक्टर्स आएंगे, इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, लिटरेचर आएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कानून व्यवस्था सिक्योरिटी त्रिनेत्र की नजरों में हो, हर जगह सीसीटीवी एवरी कॉर्नर, ट्रैफिक रूल्स हर जगह से आपको बताया जा रहा है, एक राजधानी के रूप में गोरखपुर ने एक नया रूप धारण किया है, आप गर्व से कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि गर्व से कहो, मुस्कुराइए आप गोरखपुर में, मुस्कुराइए आप गोरखपुर में। तो भैया हो महानगर अध्यक्ष अगल बगल में राउंड मार रहे हैं, हम उनकी चिंता जान रहे हैं, तो भैया दोनों हाथ सब लोग उठाओ आखिरी तक, जहां तक मुड़ी मुड़ी लौटाता बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे, बोले गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। भारत माता की, भारत माता की वंदे, वंदे वंदे। गोरखपुर के स्थानीय निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन में आज कार्यक्रम के उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री रवि किशन जी, मान्य सांसद बांसगांव से कमलेश पासवान जी, मान्य सांसद राज्यसभा डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, देखो जूम करो, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री बिपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य श्री सी पी चंद जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के प्रबुद्ध जनों में जिनका उद्बोधन आपको सुनने को मिला है, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमिताभ त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज श्री एस के अग्रवाल जी, गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर सी श्रीवास्तव जी, आईएमए के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर पी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री पुष्पतंत जैन जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी और भारी संख्या में महानगर और जनपद के विभिन्न नगर निकायों से उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मैं इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 2.5 घंटे से आप सब यहां पर जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों की बातों को सुन रहे थे, इसके लिए आपका स्वागत करते हुए 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहाँ की जनसुविधाओं की बढ़ोतरी में निर्णायक साबित होंगे। इसके लिए आप सभी को गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है आम समाज को जागरूक करने में, और मैं इस बात को मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विकास के और सुशासन के जिस नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, उसमें प्रबुद्ध जनों के द्वारा जन जागरण अभियान के साथ जुड़ने में जो भूमिका का निर्वहन किया गया, एक सकारात्मक भावना के साथ इस ऊर्जा का संचार किया गया, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बीमारू राज्य से हटकर के एक विकसित राज्य की श्रेणी की ओर अग्रसर होकर के देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अगर हमारा प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देकर के उसके ग्रोथ इंजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो मान करके चलिए कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए किसी दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे देश और दूसरे प्रदेश के नागरिकों को नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा। और इस शुभ अभियान को अपने हाथों में लेने के लिए मैं उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों बहनों, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ाती है, सकारात्मकता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और इसी सकारात्मकता का परिणाम है कि आज प्रदेश ने सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर, चाहे वह निवेश के लिए, चाहे वह पर्यटन के लिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने आप को स्थापित किया है, और गोरखपुर उसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। गोरखपुर की छवि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले क्या थी? शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वथा उपेक्षित गोरखपुर, गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, गोरखपुर की छवि के बारे में, गोरखपुर की जनता को मिलने वाली सुविधा के बारे में क्या स्थितियां थी? बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें खराब थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था, निवेश नहीं करना चाहता था। गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के अंदर गोरखपुर की इस बदली हुई छवि को आपने देखा। आज कहीं भी आप जाएंगे, गोरखपुर का नाम लेंगे, तो लोगों के मन में एक सम्मान का भाव आपके प्रति स्वतः जागृत होता है, और आप सब लोग एक उस भाव के साथ कहते हैं अच्छा आप गोरखपुर से हैं, एक सम्मान का भाव। इस सम्मान को बरकरार रखना, इसको बनाए रखना और इसमें अभिवृद्धि करना, ये हर नागरिक का दायित्व है कि मेरा नगर, मेरा कस्बा, मेरा गांव,
मेरा प्रदेश और मेरा देश इस सम्मान के लिए सदैव लोगों के जवान पर उसके प्रति अच्छा भाव पैदा हो, इस दृष्टि से हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें सहयोग करें। याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बिहारी मेडिकल कॉलेज, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, अगर इस मेडिकल कॉलेज पे पहिया होते तो इसको विपक्षी सरकारें कब का गोरखपुर से हटा करके अपने यहां लेकर के चले गए होते। लेकिन भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में न केवल 1990 में बंद खाद कारखाना फिर से चल चुका है, बल्कि वर्तमान में 105% के रेट से वहां उर्वरक उत्पादन के कार्य के साथ भी जुटा हुआ है। अन्नदाता किसानों को इस कोविड कालखंड में पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर और रसायन की भारी किल्लत है, पेस्टिसाइड की भारी किल्लत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत के अंदर कमोबेश इसकी पूर्ति की गई और उर्वरक कारखाने जो पिछली सरकारों के समय बंद हो चुके थे उन्हें चलाने का कार्य किया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना भी आज गोरखपुर में फिर से चालू हो चुका है। बिहारी मेडिकल कॉलेज की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज आप जाइए वहां पर, आज से 5-7 साल पहले क्या स्थिति थी, आज वहां बाल संस्थान बन गया है, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है, आज बिहारी मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं हुई है, और साथ साथ गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज एम्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। और गोरखपुर देश के उन चुनिंदे शहरों में है जिनमें जो शिक्षा के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। 4-4 विश्वविद्यालय किसी जनपद में हो, वो अकेले गोरखपुर जनपद में है, और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भाई बहनों, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, आप लखनऊ से आइए, 4 लेन की कनेक्टिविटी, और एक बार एक केवल गोरखपुर बस्ती अयोध्या होते हुए ही नहीं, अब तो आपको गोरखपुर आजमगढ़ अंबेडकर नगर होते हुए भी एक नई कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए प्राप्त हो रही है। गोरखपुर लखनऊ के अलावा वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी हो चुकी है, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, जो दूरी पहले आपको 6-7 घंटे करने में, दूरी को तय करने में लगते थे, आज 2.5-3 घंटे के अंदर उस दूरी को आप तय कर सकते हैं। नेपाल की दूरी बेहतरीन हुई, उसको और अच्छा करने का प्रयास हुआ है। गोरखपुर से देवरिया कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है, ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा, आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से सिटी के अंदर ही आप देखेंगे, कोई सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन की सड़कें बनेंगी, आज बिहारी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सुनौली मार्ग हो, या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन के बनाने के शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है, आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर जहां पर उत्तम को ढाला पड़ता है, वहां पर हमेशा जाम दिखता था, अब वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा, और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का समाधान सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में, 4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दिए गए हैं, बल्कि इसके उन कारकों को जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी, उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना जैसी प्रधानमंत्री जी के उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज गोरखपुर रामगढ़ ताल देखिए, रामगढ़ ताल रवि किशन के लिए, तो रवि किशन जी जैसे अभिनेताओं के लिए तो वास्तव में फिल्म की शूटिंग के बेहतरीन केंद्र बन गए, अब वो मुंबई से अपना पूरा शिफ्ट कर दिए हैं यहां पे, और यहीं पे उन्होंने पूरी यूनिट को ला करके
उनके साथ तमाम अन्य भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग हो रही। पिछले दिनों मुझे उनके साथ में मलयालम फिल्म से जुड़े हुए कुछ डायरेक्टर मिले थे, यानी केरल भाषा में जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे यहाँ आने के लिए, आज वे गोरखपुर में आकर के फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी दे रहे हैं और गोरखपुर को न केवल फिल्म शूटिंग के लिए बल्कि पर्यटन के बेहतरीन केंद्र को के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में बिजली की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है। और कोई सोचता था, कभी सोचता था कि गरीबों को मकान मिलेंगे? अकेले शहरी क्षेत्र में 32,000 से अधिक लोगों को गोरखपुर सिटी के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जिसमें हर परिवार को 2.5-2.5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हुई है। 19,000 से अधिक लोगों को, पटरी व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर्स थे, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, इनको ब्याज फ्री लोन पर बैंक से लोन की सुविधा उपलब्ध हुई है। गोरखपुर में आज व्यापक पैमाने पर रोजगार हो रहा है, रोजगार के लिए निवेश व्यापक पैमाने पर हो रहा है और बुनियादी सुविधाओं की भी वृद्धि हुई है। गोरखपुर से सटे हुए जिन क्षेत्रों में पहले व्यापक जल जमाव होता था, उस जल जमाव से मुक्ति के लिए जहां अभियान चलाए गए, वहीं नए नगर निकायों का गठन करने के साथ ही घक्सरा हो, उनवल हो, उरवा हो, कैंपियरगंज है, ये सभी नए नगर निकाय बनाए गए हैं और इन सभी नए नगर निकायों के माध्यम से उन क्षेत्रों के विकास और वहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम सरकार के स्तर पर उठाए गए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस सकारात्मक अभियान को जनपद के सभी प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद जो अब तक प्राप्त होता रहा है, राजनीति से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठता है तो परमार्थ का कार्य हो पाता है और लोक कल्याणकारी कार्य अपने गांव, अपने जनपद, अपने कस्बे, अपने प्रदेश और अपने देश का विकास कराना ये किसी परमार्थ से कम नहीं है और उस परमार्थ के साथ जुड़ना ये हर व्यक्ति के लिए पुण्यदायी हो सकता है। और आज उसी दृष्टि हम सब आपके बीच में यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5-3 घंटे से आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, उस उत्साह के लिए हम सबको सदैव तैयार होना होगा, हर सब विषम परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार होना होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस दृष्टि नगर निकाय के संभावित चुनावों के साथ ही हम लोगों को प्रदेश के अंदर आगामी फरवरी माह में 10 से 12 फरवरी में हम प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का और उसके माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार का एक अभियान प्रारंभ किया है। अग्निवीर की व्यवस्था, अग्निपथ के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए, भर्ती के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश सरकार पहले 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुकी है, लगातार मिशन रोजगार के अंतर्गत नौकरियां मिल रही हैं। और हम लोगों ने तय किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्कूल बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है, विश्वविद्यालय बनाता है, चिकित्सालय बनाता है, एमएसएमई में, किसी भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भारी उद्योग में कहीं भी निवेश करता है, वह हमारे लिए वरण्य है, अभिनंदनीय है। और सरकार ने इसके लिए 25 प्रकार की पॉलिसी बनाई हुई है, आप उसमें आवेदन करिए, आपको न केवल उसके माध्यम से सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उन सुविधाओं के माध्यम से सरकार को मिलने वाली इंसेंटिव भी ऑनलाइन आपके अकाउंट में स्वतः आती हुई दिखाई देगी। और इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए आज सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है। हमारा प्रयास होना चाहिए गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने का।
गोरखपुर को उत्कृष्टतम स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को निवेश के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को पर्यटन के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने का, गोरखपुर को एक बेहतरीन रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने का, और उस दिशा में मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं, हर फील्ड में संभावनाएं हैं। उस फील्ड की संभावना के साथ हम सबको जुड़ना होगा, और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आज यहां पर आया हूं। ये 950 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का सौगात आज गोरखपुर जनपद वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विकास का एक क्रम निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर चलता रहे, क्योंकि विकास ही हम सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेगा, हमारे जीवन को समुन्नत करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सबको जुड़ करके अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस विश्वास के साथ आज यहां पर स्थानीय निकाय का जो एक प्रबुद्ध सम्मेलन यहां पर हुआ है, सभी प्रबुद्ध जनों से मैं आह्वान करूंगा कि गोरखपुर जनपद को भी वह सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है अगर प्रबुद्ध जन नहीं होते तो हम गोरखपुर में कभी सफल नहीं हो पाते। मैंने देखा पिछले 25 वर्षों के अंदर गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई, गोरखपुर की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई किसी भी मुद्दे को लेकर के जब भी हम लोगों ने आंदोलन को किया है, गोरखपुर का प्रबुद्ध जन और गोरखपुर का आम नागरिक सदैव हमारे साथ खड़ा हुआ है, और खड़े होकर के विकास, सुशासन और बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए सदैव मेरे साथ, हमारे अभियान के साथ खड़ा होकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और आज मैं फिर से आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, अब उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमें और अच्छे मॉडल खड़े करने होंगे, अलग अलग क्षेत्र में मॉडल खड़े करने होंगे, हमें अपने नौजवानों के लिए अपने शिक्षा केंद्रों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए, अपने किसान प्रगतिशील किसानों को खेती किसानी के क्षेत्र में भी नए स्टार्टअप स्थापित करने और एफपीओ के गठन करने के समय में प्रयास करने पड़ेंगे, बेहतरीन यहां पर इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ने के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये सभी कार्यक्रम अगर आगे बढ़ते हैं, हरेक फील्ड में अगर हम कुछ नयापन करते हैं, वो अपने आप में एक मॉडल बनेगा, और उस मॉडल के लिए आप जिसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर की तरफ देख रहा है, बिहार का एक बड़ा भूभाग गोरखपुर की तरफ देखता है, नेपाल का एक बड़ा भूभाग विकास के लिए गोरखपुर की तरफ देखता है कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल भी है तो चिड़ियाघर भी है, गोरखपुर में एम्स है तो गोरखपुर में वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा भी हो चुकी है, कनेक्टिविटी बेहतरीन हो चुकी है, और फिर इसको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, और इसमें हर तबके के नागरिक की सहभागिता बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। जिस भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होगी, वह व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उद्यमिता के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अधिवक्ता हो, शिक्षक हो, समाज सेवी हो, या फिर किसान हो, या नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो, श्रमिक हो, आर्टिजन्स हो, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य करना है, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होगी, और उस भूमिका के साथ हम सबको जोड़ने की कार्रवाई और उसके माध्यम से गोरखपुर को एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में हम सब सार्थक प्रयास कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर जो 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया कि पहला कार्य है जिसमें गोरखपुर देवरिया बाईपास जो है, इसको अब तक जो 2 लेन का था इसको 4 लेन के रूप में हम लोग लेके जा रहे हैं। 4 लेन का एक कार्य होगा, एक बेहतरीन मार्ग बनेगा, जाम की समस्या का समाधान होगा। दूसरा है यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के पैडलेगंज तक 6 लेन का एक फ्लाईओवर, और देवरिया के लिए बाईपास के लिए भी 4 लेन का एक फ्लाईओवर का वो आएगा इसके साथ में। जाम की समस्या का समाधान रुस्तमपुर ढाला के पास, आजाद चौक के पास जाम की समस्या का समाधान इसके माध्यम से होगा।
लोगों का आवागमन आसान होगा। देवरिया बाईपास की ओर जाने वाले लोग जो लखनऊ की ओर से आ रहे हैं, सिटी की ओर से जा रहे हैं, आसानी से उन्हें उधर जाने में मदद मिलेगी। तीसरा है गोरखपुर में इसी क्षेत्र में एक फोर लेन का एक नया मार्ग हम लोग देने जा रहे हैं। और चौथा है इंसेफ्लाइटिस की समस्या या अन्य संचारी रोगों से गोरखपुर के मासूमों को, गोरखपुर के नागरिकों को उसकी चपेट में न आना पड़े, इसके लिए यहां पर एक नई एसटीपी और सिविल लाइन की व्यवस्था के लिए महेवा ढाले पर उसके निर्माण की कार्रवाई के लिए भी आज धनराशि उपलब्ध की जा रही है। ये चार बड़े कार्य आज यहाँ के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हम लोगों ने गोरखपुर में और अन्य नगर निकायों में जहां पर नए क्षेत्र नगर निकायों में जुड़े हैं 550 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए अलग से उपलब्ध करवाई है। वहां की बुनियादी सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, जल निकासी के लिए और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि इन सभी सुविधाओं का लाभ इन सभी स्थानीय निकायों से जुड़े हुए नागरिकों को उपलब्ध होगा। ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन को हम नगरीय क्षेत्रों में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और जिन बुनियादी सुविधाओं के लिए आम नागरिक नगरीय क्षेत्रों में आता है उन सुविधाओं का लाभ उन्हें वास्तव में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। एक बार फिर से आप सभी गोरखपुर जनपद और महानगर के प्रबुद्ध जनों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि विकास और सुशासन के इस मॉडल को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में आप सबका योगदान इसी प्रकार से निरंतर डबल इंजन सरकार के साथ प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।